हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं एक ऐसी डाई आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपके किसी भी एज में आपके बालों को काला कर देगी। 101% श्योर हूँ आपके बाल नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे। जिन लोगों के भी बालों में जो है कलर नहीं आ पाता, चाहे आप मार्केट की डाई क्यों नहीं लगाते होंगे, जिस तरह से मैं बताऊंगी, दो तरीके से बताऊंगी, कम इसके लिए ज़्यादा इसके लिए, तो वीडियो पर बने रहिएगा, पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। पहले जो हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट में यहाँ पे लेना होगा वो है एलोवेरा लीफ। इस तरीके से आप ले लीजिए। थोड़े से नींबू के पत्ते मैंने यहाँ पे लिए हैं, और ये देखिएगा, ये है पटेटो यानी कि आलू। इस तरीके से देखिएगा, ये आलू, इसी से ही जो है हम आज की रेमेडी तैयार करने वाले हैं। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर तो आपके जिनके भी हो रहे हैं उनके जो है होना स्टॉप आउट हो जाएंगे। तो हमें इसमें आलू और ये सब सामान लेना है, हमें अच्छे से वॉश कर लेना है पहले। अब हमें इसे छोटा छोटा काट कर जो है मिक्सी के जार में डाल लेना है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से सबको कट कर लिया। अब मैं एक मिक्सी का जार ले रही हूँ, ये देखिएगा, और इन सब सामान को मैं इसमें डाल दूंगी। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ये सारा सामान डाल लिया। अब मैं इसमें एक कप के करीब ये देखिएगा पानी ऐड कर दूंगी इस तरीके से। अब जो है हमें इसे पीस लेना है। देखिएगा, ये कुछ इस तरीके का बनकर रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे स्ट्रेन आउट करना है एक आयरन की कढ़ाई में, यानी कि लोहे की कढ़ाई में। हम इसके अंदर जो है इसे स्ट्रेन आउट कर लेते हैं इस तरीके से। देखिएगा, आलू जो हमने यहाँ पे यूज किया है उसमें पॉलीफेनोल नाम का जो है एक एंजाइम पाया जाता है, को बेहद काला करने में कारगर जो है वो होता है, और हमारे बाल इससे ही काले बनते हैं। इस सब्जी के छिलके के नीचे जो है ये पाया जाता है। इस तरीके से आप स्ट्रेन आउट कर लीजिए। देखिएगा, कुछ इस तरीके का हो गया है। अब थोड़ा सा आप जार में भी पानी डालकर इसे अच्छे से छान लें इस तरीके से। ये देखिएगा, पूरा टोटल पानी हमने इसमें 1.5 कप के करीब ऐड किया है इस तरीके से। अभी गैस का फ्लेम बंद है। अब आपको इसमें जो है कॉफी ऐड कर लेनी है। कॉफी जो है हमारे बालों को एकदम से काला करती है, डार्क कलर प्रोवाइड करती है कॉफी जो है हमारे बालों के लिए। तो कॉफी में यहाँ पे जो है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपके बालों में अगर कलर नहीं चढ़ता है तो आप यहाँ पे 2 पाउच तक कॉफी के ऐड कर सकते हैं। तो मेरे बालों में जो है ब्लैक हो चुके हैं पूरी तरीके से, जैसे आप लोगों को पता है। मैंने कॉफी ले ली है, और आप यहाँ पे जो है ये 10 रुपीज वाले पाउच 2 ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ जो है 2 टेबल स्पून इस तरीके से कॉफी ऐड करूंगी। ये हमारे बालों को स्ट्रांग बना देती है, हमारे बालों का झड़ना भी रोकती है कॉफी, डार्क कलर प्रोवाइड करती है। अब फ्रेंड्स, आपको इसे जो है अच्छे से इस तरीके से चलाना है, सिम गैस पे इसे पकाना है, क्योंकि ये थिक होने लगता है, आपको ध्यान रखना है। सिम गैस पे आप इसे चलाते जाइए इस तरीके से। और आपको इसके अंदर जो डालना है वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर एकदम से इसमें जो है काला कलर प्रोवाइड करेगा, एकदम से ब्लैकनेस आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी। ये देखिएगा कितना ज्यादा थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैं 1 टेबल स्पून यहाँ आंवला पाउडर ऐड करवा आपको डालना है, ताकि आपके बाल एकदम से काले हों। चलिएगा, इसे आप मिक्स कर दीजिए इस तरीके से, और ये देखिएगा थिक होना स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही आपका हो जाएगा, ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इस तरीके से आपको चलाते जाना है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से, और इसे आपको जो है थोड़ा सा हाफ का लेना है जब तक इसे पकाना है। इस तरीके से आप चलाते जाइए, चलेगा। अब जब हाफ रह जाता है तभी मैं आपको इसे शेयर करती हूँ। ये जो है देखिएगा फ्रेंड्स, ये हाफ रह चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है गैस का फ्लेम बंद। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैं कर देती हूँ गैस का फ्लेम बंद। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज्यादा कमीज के हैं तो आप इसमें इसे ठंडा करके आप इसे इनमें जो है 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल के एज ए हेयर मास्क की तरह आप इस्तेमाल कीजिए वीक में 2 बार, और फिर नॉर्मल वाटर से आपको जो है अपना हेयर वॉश कर लेना है वेट ड्राई होने के बाद। अब देखिएगा, अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट आपके बालों में कलर आ जाए, आपके बालों में जो है डार्कनेस प्रोवाइड करेंगे, तो आप इसमें डालिए 2 टेबल स्पून के करीब इंडिगो पाउडर, और 2 चम्मच के करीब ही मेहंदी डालिए। देखिए, काफी लोग जो है मेरे पास कमेंट आता है उनका, कि काफी लोग अगर डायरेक्ट इंडिगो डालते हैं तो उनके बालों में कलर नहीं आता, क्योंकि वो केमिकल डाई से उनके हेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आपके बालों में इस तरीके से नहीं आ रहा, आप पहले जो है इसमें इंडिको डालकर देख सकते हैं। अगर आपके बालों में इंडिको का कलर एक बार में आ जाता है लगाने के बाद, तो आप इसमें इंडिको डाल लीजिए, नहीं तो आप इसमें 2 चम्मच मेहंदी और 2 चम्मच ही इंडिको डालिए। फिर देखिएगा, इसे आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। 15 मिनट के बाद अपने बालों में आपको जो है इसे लगा लेना है, और वेट ड्राई होने के बाद नॉर्मल वाटर से ही आपको हेयर वॉश करना है वीक में 2 बार, ऐसा करना है। आप देखेंगे आपके बाल नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इंस्टेंट इसका कलर दिखा देती हूँ आपको। देखिएगा कितना ज्यादा जो है, अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, मेहंदी भी ऐड नहीं है, ना ही इसमें इंडिको है, और कितना ज्यादा जो है डार्क कलर इसके अंदर आया है। इसी तरीके से आपके हेयर हो जाएंगे हमेशा के लिए काले। देखिएगा फ्रेंड्स, कितना अच्छा जो है इसका ही कलर है, ये देखिएगा, ये इसी का ही कलर आया है। तो आपके बाल अगर आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए काले हो जाए, तो इस पैक को जरूर से आप हेयर में इस्तेमाल कीजिए, और फीडबैक मुझसे जरूर से शेयर।